अगर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स को करना चाहिए। और जो लोग इस कोर्स को रेगुलरली कर रहे हैं, उससे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आप इन कोर्स को रेगुलरली किए हो तो आपको अभी तक ये तो पता चल चुका होगा कि कृतज्ञता, जिस ग्रेटिट्यूड की हम इस कोर्स में बात करते हैं, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और ये हमारी लाइफ में मैजिक की तरह काम करती है। ये तो आपको पता चल चुका होगा, आप अभी तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे क्योंकि 24 लेसन्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज 25th डे है और हम लोग एक अलग लेवल पे हैं अगर आप बहुत ही सीरियसली इस कोर्स को कर रहे हो। फ्रेंड्स, अभी तक मैं बात करता था आपसे कि आपको बार बार याद करना है किस चीज के लिए आपको थैंक यू देना है। मैंने आपको सारी चीज बताई, अगर एक घर है तो उसके पैरदान से लेकर उसके डोरमैट से लेकर उस घर तक हर चीज के लिए आपको थैंक यू देना है। आपके पैरदान के लिए, आपके डोरमैट के लिए, आपके वॉशरूम के लिए, आपके बेडरूम के लिए, आपके बेड के लिए, आपके फैन के लिए, आपकी हर चीज के लिए, घर में जो भी चीजें अवेलेबल है, हर चीज के लिए थैंक यू देना है। अपन ने छोटी से छोटी चीजों की बात करी है लास्ट वीडियोस में और आज हम यहाँ तक पहुंचे। आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे कि ये यूनिवर्स हमको खुद याद दिलाता है कि आपको किसके लिए थैंक यू देना है। हाँ फ्रेंड्स, ये आपको खुद याद दिलाता है कि आपको किसके लिए थैंक यू देना है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, जैसे आप कॉन्शियस कुछ टाइम पे होते हैं। ठीक है, आप सॉन्ग सुन रहे होते हो तो आप कॉन्शियस होते हो, आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो कॉन्शियस होते हो, कुछ नया सीख रहे होते हो तो कॉन्शियस होते हो, बस वैसे ही आपको कॉन्शियस पूरे दिन में होना है। आज आपको कुछ ऐसी 7 चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ उनमें से कुछ 7 चीजें आपको निकालनी है जिनके लिए आपको देख कर थैंक यू होना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। उसके पहले वेलकम टू माय चैनल एजे इंस्पिरेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एजे इंस्पिरेशन में, जहां पर आपको मिलती है हमेशा हाई वाइब्रेशंस। फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपको बताऊँ, आप पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं चेंज करूंगा, अपने एफर्ट्स से चेंज करूंगा, अपने एक्सपीरियंस से चेंज करूंगा, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिवर्स हमको कैसे संकेत देता है, कैसे हमको ये मैसेज देता है कि आपको किस चीज के लिए थैंक यू देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, आपको रोड पे एम्बुलेंस दिख जाती है, तो वो संकेत दे रहा है यूनिवर्स, अगर आपको एम्बुलेंस दिखी है और आप अभी हेल्दी हो, स्वस्थ, तो आपके घर में हर कोई अच्छा है और एम्बुलेंस की नीड किसी को नहीं पड़ी है, तो हर किसी की हेल्थ के लिए उस समय थैंक यू दे दो। अभी तक जितने भी लेसन्स अपन ने पढ़े हैं वो सब हम डेली याद करके और हम थैंक यू दे रहे थे, अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, अब इसको आपको लाइफस्टाइल बनाना है, थैंक यू को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। कुछ भी चीजें देखो, वो चीज आपको कुछ ना कुछ बता रही है, उसके लिए थैंक यू दे दो। जैसे एम्बुलेंस आपको बता रही है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तभी तो आप एम्बुलेंस देख पा रहे हो। अपनी हेल्थ के लिए, अपने आसपास वालों की हेल्थ के लिए, जिन दिन की हेल्थ के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, तुरंत थैंक यू बोल दो एम्बुलेंस देखते। अगर आपको पुलिस वैन दिखती है तो आपके पास जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में पुलिस का आना कभी नहीं होता है, और इससे अच्छी बात क्या होगी अगर पुलिस वहां पर नहीं आती, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के लिए थैंक यू बोलो। फ्रेंड्स, अगर आपका वेट ज्यादा है या वेट बहुत कम है, ठीक है, अगर कम है आप ज्यादा करना चाहते हो, ज्यादा है कम करना चाहते हो, तो वैसा कोई आदमी दिख जाए जैसा वेट आप चाहते हो, तो अपने वेट के लिए थैंक यू दो। इमेजिन करो कि आपका वेट वैसा ही होने वाला है और उसके लिए अभी से थैंक यू दे दो। जब आप उसके लिए अभी से थैंक यू देते हो, आपको भरोसा होने लगता है और आपकी वाइब्रेशंस काम करती है और आपको माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन बहुत डीपली किया है, आप उनमें देख सकते हो। अभी हम क्विकली सीखेंगे, क्विकली क्योंकि हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब हम क्विकली सीख सकते हैं कि हमें कैसे थैंक यू देना है और कैसे आप इसको अपनी लाइफस्टाइल बनानी है, हम बहुत ही क्विकली सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हो या डाइवोर्सी हो या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है, और आप एक कपल होना चाहते हो, आप रोमांटिक कपल में एंट्री लेना चाहते हो, तो किसी भी रोमांटिक कपल को आप देख रहे हो, कोई अंकल आंटी जा रहे हैं या जिनकी अभी मैरिज हुई वो जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, वो बातें कर रहे हैं, तो उनको देख के आपको चिढ़ना नहीं। हम वहाँ पे चिढ़ने लगते हैं क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई या हम सिंगल हैं, तो हम वहाँ पे चिढ़ने लगते हैं। वहाँ पर आपको उनको देख के
थैंक यू देना है, और ऐसे थैंक यू देना है जैसे आपका कपल हो गया हो, आप कपल में आ गए हो, आप रिलेशनशिप में आ गए हो या आपकी मैरिज हो गई हो, उनको थैंक यू देना है, चिढ़ना नहीं है फ्रेंड्स। कुल मिला के आपकी लाइफ में जितनी भी चीजों से आप चिढ़ते हो वो सब बंद करना है और अच्छी चीजों की तरफ देख के उनको थैंक यू देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के पास आप पैसे देख लेते हो, आपको चिढ़ होने लगती है यार इसके पास इतने पैसे आए मेरे पास नहीं आए, तो उन पैसों को देखकर थैंक यू बोलो, उन पैसों को देखकर थैंक यू बोलो और ये सोचो कि वो पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और आप एक फैमिली चाहते हो, मान लो आपके घर में बच्चे नहीं है, आप फैमिली चाहते हो, दूसरों के बच्चों को देखकर थैंक यू बोलो। थैंक यू जब आप बोलते हो, जब आप थैंक यू बोलते हो तो वो डिफरेंशिएट यूनिवर्स नहीं करता कि आप किसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। यूनिवर्स का बहुत अच्छा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप ऐसे ही अट्रैक्ट कर सकते हो। आप दूसरों के लिए खुश होगे तो उसका मतलब यही होगा आप अपने लिए खुश हो रहे हो और आपके पास खुशी वाली चीजें ज्यादा आएंगी। आप जितने ज्यादा चिढ़ोगे आपके पास चिढ़ वाली चीजें बहुत ज्यादा आने वाली है। आप बैंक या एटीएम के पास से निकलते हो तो उस समय अपने पैसों को याद करो, अपने जितने भी पैसे आपके पास है, मैं कहता हूँ मान लो आप लॉस में भी चल रहे हो लेकिन कुछ तो है आपके पास, उसके लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच बोलो। आप शाम को घर लौटते हो अपने घर के लिए थैंक यू बोलो, सुबह घर से निकलते हो उस घर के लिए थैंक यू बोलो। आपको संकेत हर जगह संकेत मिल रहा है, जहां से भी आप निकलते हो हर जगह आपको संकेत मिल रहा है। आप रास्ते से निकल रहे हो उस समय आपको आपकी मनपसंद की कार दिख गई, मनपसंद मोटरसाइकिल दिख गई जो आपको बाइक लेनी है, या आपको मनपसंद का मकान दिख गया, आप उस टाउनशिप से निकल रहे हो जिस टाउनशिप में आपको मकान लेना है, उस टाउनशिप से आप निकल रहे हो तो ऐसे फील करो जैसे वो मकान आपको मिल चुका है और उसके लिए अभी से थैंक यू बोलो। फ्रेंड्स बहुत मजा आने वाला है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, अब आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है, इसलिए मैं बहुत क्विकली बहुत सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूँ। आपको मान लीजिए सुबह कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मॉर्निंग बहुत गुड होने वाली है, और उसी समय अच्छी मॉर्निंग अच्छे दिन के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोल दो, क्योंकि सामने वाले ने अगर आपको गुड मॉर्निंग बोला तो आपको याद दिला रहा है कि आपका दिन अच्छा होने वाला है। उस अच्छे दिन के लिए पहले से थैंक यू बोल दो, आपका दिन अच्छा होने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप बोलते हो आज का दिन खराब है और वो पूरा दिन खराब निकलता है, ठीक वैसे ही अगर आप अच्छे दिन के लिए पहले ही बोलो ये आज का दिन अच्छा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो आपका दिन भी बहुत अच्छा निकलेगा। आप कोई खुश लोगों को देखते हो, कोई खुशी देखते हो, कोई हंस रहा है, कोई ग्रुप में हंस रहा है, कई लोग खुश हो रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए धन्यवाद दो, वो खुशियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो खुशियां आपकी तरफ आएंगी। किसी को खुश देख रहे हो तो आप खुश हो जाओ क्योंकि वो खुश है यार, वो खुश है, आप खुश हो जाओ तो वो खुशियां आप तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो मान लो तो वो खुशियां आपके पास आने लगेगी। फ्रेंड्स एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप पूरे दिन में किसी को भी थैंक यू बोलते सुनो तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे किन चीजों के लिए थैंक यू देना है, आप उन चीजों के लिए थैंक यू देना स्टार्ट करो। पूरा दिन पूरा जीवन आपको संकेत मिल रहा है, जो भी चीजें आपको मिली उससे रिलेटेड कुछ भी आपको याद है उसके लिए थैंक यू बोलो। एक बात ध्यान रखना, थैंक यू कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए जितना ज्यादा आप थैंक यू, जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी। फ्रेंड्स मेरी हो रही है, आपकी भी होगी, 101% होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये बुक रोंडा बन की है, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ उनको, लेकिन उनके भी आप मैं भी गारंटी लेता हूँ कि लाइफ चेंज होती है, जबरदस्त होती है, बस आप जादुई संकेतों को समझें जो संकेत आपको मिल रहे हैं और थैंक यू बोलना स्टार्ट करें। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ संकेतों को देखें और थैंक यू बोलना स्टार्ट करें। अभी आप मुझे देख रहे हो, अगर इससे मेरी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई या मेरे वीडियो की वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई तो मुझे आप थैंक यू बोल सकते हो, इस चैनल को थैंक यू बोल सकते हो, उससे पहले रोंडा वन को आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि बुक उनकी है, कॉन्टेंट उनका है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ, फैसिलिटेटर हूँ उनके लिए, आपको पहले थैंक यू बोलना। फ्रेंड्स आपको रोज जादू ही संकेत मिल रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, दिल से महसूस करना स्टार्ट करो, और दिल से महसूस करने के लिए एक वीडियो है मैजिक बाय हार्ट, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको देखो, मजा आ जाएगा आपको, गजब का मजा आने वाला है, आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, मैं ये गारंटी देता हूँ। और फर्स्ट और सेकंड लेसन आपको पहले करना ही करना है, जो आपकी कृतज्ञता को, जो आपको ग्रेटिट्यूड को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स अब मैं आपसे कल मिलूंगा, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।